नूह के नगर पालिका कार्यालय में जले रिकॉर्ड में एक नया मोड़ सामने आया है। अब इस मामले में नपा के पार्षद मैदान में उतर चुके हैं, जिन्होंने आग का आरोप नपा की चेयरपर्सन और कुछ कर्मचारियों पर लगाया है। मीडिया के सामने नपा के कुछ पार्षदों ने बताया कि इसका उन्हें पहले से ही अंदेशा था, जिसकी शिकायत वो वर्ष 2018 में पुलिस को दे चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। पार्षदों का आरोप है कि नपा के चेयरपर्सन ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसे छुपाने के लिए नपा के रिकॉर्ड को आग लगाई गई है। हालांकि अभी पुलिस व फॉरेंसिक टीम की जांच में मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में क्या सच्चाई पाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एटीवी हरियाणा। ये जो नगर पालिका में जो आग लगी है, इसका अंदेशा तो हमें काफ़ी दिन से पता था कि ये आग लगाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मामलों में पहले ही गिल्टी हो चुके हैं और बहुत जल्दी इनके खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी हो चुके हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं। इसको ये डर था कि कहीं अगर मेरी सीट चली जाती है, नया कोई चेयरमैन बनता है, तो उसके संदर्भ में जो मैंने काले कारनामे इस नगर पालिका में कर रखे हैं, हमारी चेयरपर्सन और उसके पति द्वारा जो काले कारनामे किए हुए हैं, उनको उजागर करेंगे। और हम पिछले 4 साल से यही भ्रष्टाचार की बार बार शिकायतें करते आ रहे हैं, और जिन पे हमारी शिकायतों पे आज तक सब पर कोई वो गिल्टी हुआ है, लेकिन कोई उच्चतम कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई है। इसके खिलाफ कार्रवाई के तौर पर नामालूम कार्रवाई हुई है। हमने नगर पालिका के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, जिसका एक 639 नंबर, एक 443 नंबर, 2 मुकदमे हैं। उनके बार बार पुलिस के रिकॉर्ड मांगने के बावजूद पुलिस को वो रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं कराया गया नगर पालिका के द्वारा। और हम 2 बार ये इतला कर चुके हैं अधिकारियों के, जी ये रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द कर देगा। हमारी शिकायतों के संबंधित जो भी रिकॉर्ड की ज़रूरत है, आप उस रिकॉर्ड को इनसे ले लीजिएगा, लेकिन ना तो उच्च अधिकारियों की तरफ से, जो जाँच करता है उनकी जाँच करता है उसकी तरफ से, और ना नगर पालिका के किसी सचिव की तरफ से वो रिकॉर्ड मुहैया कराया गया है। ना तो उन्होंने सख्ती करी है, ना इनके द्वारा दिया गया है। और आज अपने सारे काले कारनामों को मिटाने के लिए शहर का बहुत सारा जो ज़रूरी कागजात, आमजन से जुड़ी हुई जो कागजात हैं, उनको जला दिया गया। और अब हमें तो ये अंदेशा है कि जो आम लोगों को परेशानियाँ आगे सामने आएंगी, वो बहुत बड़ी होंगी, उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। एक आदमी अपने निजी फायदे को, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपना निजी फायदा उठाने के लिए ये सब कुछ पूरे शहर के लोगों के साथ आज बहुत बड़ा घत उसकी तरफ से। जो रात आग लगी, जैसे मेरे साथियों ने बताया कि ये बहुत काफ़ी दिन, 1 साल पहले से ही अंदेशा था इस आग को लगाने का, रिकॉर्ड को जलाने फाड़ने का बहुत दिन से ये कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब ये कल हुआ है। हमारे चेयरमैन जो सीमा सिंगला है, इसकी 23 तारीख को, जो 23 परसों को इसकी निजी सुनवाई थी डायरेक्टर ऑफिस में, उसमें जांच थी, हम भी गए थे, ये भी गए थे। तो डायरेक्टर साहब ने अपने डीसी साहब को, पंकज जी को बोला था फ़ोन करके कि आप इस शिकायत के संबंधित आप विद इन 2 वीक्स में इस रिकॉर्ड को यहाँ पर जमा करा दो। ये भी वहाँ थे, तो इनको पता चल गया कि भाई 2 हफ्ते में यह रिकॉर्ड जमा कराना है। इसमें गबन था, कम से कम 20 लाख रुपए का गबन था। उसको छुपाने के चक्कर में इसने नूह का सारा रिकॉर्ड जला दिया, जिसमें जन्म पत्री भी है हमारे बच्चों की, असिस्मेंट भी है, प्रॉपर्टी भी है, जो भी मतलब पूरा नूह से संबंधित जो रिकॉर्ड था वो आज कुछ भी नहीं बचा, और जिसका सामना हमारे शहरवासियों को आगे करना पड़ेगा।